like a bell cut. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो. मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर हैकर इंडियन गेमर्स. आज एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज. आज जो है मैं टर्बो प्रॉप फ्लाइट सिमुलेटर खेल रहा हूं. इस गेम में एरोप्लेन हमें चलाना होता है. इसमें हमारे अलग अलग मिशंस मिलते हैं करने के लिए और हमारे पास फ्री फ्लाइट भी होता है जो कि अभी लॉक पड़ा हुआ है. तो हम इसे भी फ्री फ्लाइट्स भी हम लोग करेंगे, हम मज़े भी करेंगे. इसकी जो एक बेसिक ट्रेनिंग थी वो वाला लेवल मैंने कंप्लीट कर लिया था. इसमें कुछ नहीं था, हमें बस अपनी सेटिंग्स करवाते और हमें समझाते हैं क्या क्या होता है वो. आप लोग उससे बोर ना हो इसीलिए मैंने उसको कंप्लीट कर लिया. अब मैं सीधा ही आप सेकेंड लेवल जो टैक्सिंग एंड टेक ऑफ है मैं इसे शुरू करूँगा. और इसके बाद यहाँ से अब आप देख सकते हैं और आगे कितने सारे लेवल्स ही लेवल्स हैं इसमें. हम ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा. ये देखते रहिए आप लोग, ये देखिए कितने सारे हैं इसमें. हम चलिए शुरू करते हैं. अभी मैं फ़र्स्ट लेवल पर जा रहा हूँ. मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी, पर हम लोग एक उससे करेंगे लाइन से. तो फिर स्टार्ट करते हैं. तो फिर ये हमें थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें भी बताएगा, पर हमें ये भी करनी ही होंगी. अभी हमें बस जैसे इसमें ये वाले और सब गेम्स में क्या होता है, हमें इतना कुछ ऑप्शन नहीं मिलता जितना ऑप्शन हमें इस गेम में मिलता है. इसीलिए ये वाले इस गेम का मैं बना रहा हूँ. देखिए जैसे हम हर एक इंजन ऑफ ऑन कर सकते हैं. हम लोगों को कौन सी लाइट जला के रखनी, रख नहीं रखनी, कौन सा डोर खोलना नहीं खोलना, हम लोग इसी में से कर सकते हैं. जैसे कि मैं अब दिखाता हूँ कार को, अगर हम लोग रैंप करें. अच्छा ये लोग वो देखिए पीछे एक गेट खुला होगा. ये लोग अभी भी हमें मूवमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहे. ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग चले जाएंगे फ्री फ्लाइट में. तो फिर अभी हम लोग अपने चारों इंजन्स मेन इंजन्स हम लोग ऑन कर लेते हैं. ये बिल्कुल ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब अभी इंजन्स ऑन हो रही हैं. आप लोग जैसे सुन पा रहे होंगे पीछे से इंजन के साउंड आना शुरू हो गया होगा. रिवर्स थ्रस्ट से हमारा जो इससे हमारी प्लेन जो है पीछे की तरफ जाएगा. यहाँ पर हम लोगों की स्पीड दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोगों की स्पीड दिखाएंगे. इधर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है इसमें हमारी स्पीड होती है और हम लोग किस ऑल्टीट्यूड पे हैं सब कुछ दिखाते हैं. मैनुअल ब्रेक्स मैंने मारे, ये ऑटो ब्रेक्स हैं. और अभी इसकी ये ऑटो ब्रेक्स हमारी हेल्प करते हैं मुड़ने में. और इन लोगों ने मेरे को एक एक्सेलरेशन कितना मुझे दे के रखना चाहिए बताया. और जो मैंने अभी मोड़ा हमारे प्लेन्स के रडर्स पीछे के काम करते हैं जिससे ये टर्न करते हैं. और वो जो जैसे अब मैंने मोड़ा एक वो जो उठा था ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो उठ रहे हैं ना, ये जो मैंने ऑटो ब्रेक्स एक्टिवेट किए हुए इसी वजह से उठ रहे हैं. मैं ऐसे करके एक चेक पॉइंट्स पार करने होंगे तो तभी हम आगे कर पाएंगे, नहीं तो हमारा मिशन में कम पैसे देंगे लोग. कम मतलब बेसिकली एक्सपी कह लो आप या फिर रिवॉर्ड कह लो वो होता है इसमें. अभी हम लोगों के पास हम लोग इंटरनल व्यू, इसने मेरे को पता नहीं लग रहा है मुड़ क्यों नहीं रहा है, मैंने जबकि कमांड दिया हुआ. अच्छा मुड़ गया, चलो अभी हम लोग इस वाले को पार करके फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और फिर हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और उसके बाद ये वाला हमारा जो मिशन होगा ये कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर ये हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग इसमें कितने मिशंस करेंगे. देखिए हमें हमारे प्लेन का जो नोज़ होता है बेसिकली ये इस येलो लाइन के अलाइंड होना चाहिए. पर ये क्या है इसके थोड़े सेटिंग्स उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको अलाइन मोली मतलब अलाइन करते हुए टर्न नहीं दे पा रहे प्लेन को. जब हमें इस ब्लॉक जो बना हुआ है इतना बड़ा सा ग्रीन कलर का, हमें इसके अंदर जा कर के और जो प्लेन का जो नोज़ है ये वाइट जो लाइन है जो पेंटेड है सेंटर में, इसके अलाइंड होना चाहिए. तो फिर अभी अलाइन हो गया और हमें ब्रेक्स और हमें अभी स्टॉप करना है. सो हमें थ्रॉटल डाउन करना होगा. डी कैलिब्रेट द कंट्रोल्स, ये हमें कैलिब्रेट करने के लिए बोल रहे हैं. इससे जो है हमारा प्लेन रोल करेगा और पिच अप एंड डाउन होगा. पिच अप एंड डाउन होगा मतलब कि इसके वजह से हमारा प्लेन ऊपर उठेगा और नीचे जाएगा. चलिए फिर देखते हैं ये जो टैक्सी ये जो ब्रेक्स एक्टिवेट है उनकी वजह से ये प्लेन की स्पीड उतनी नहीं है. अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लेन की स्पीड बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली. हम लोग थ्रॉटल 100% दे सकते हैं यहाँ पर.
अभी अब हम लोग ये यहाँ पर देखिए फ्यूल वगैरह दिखा रहे हैं। प्लीज़ भाई साइड मत जा, प्लीज़ साइड मत जा। नाउ वी कैन टेक ऑफ एंड दे आर सेइंग मी टू रिट्रैक्ट द लैंडिंग गियर्स। आई एम रिट्रैकिंग। ये देखिए हमारे, देखिए हमारा जो ये लेवल था ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा बस इतना सा ही लेवल था कि हमें टैक्सी लेन में से जहाँ पर हमारी प्लेन खड़ी थी वहाँ से मैं उसे लाना था रनवे पर और टेक ऑफ करना था। अभी इसके कंट्रोल्स की सेंसिटिविटी मैं थोड़ी हाई कर दूँगा जिससे कि ये ढंग से फिर टर्न वर्न लेने लग जाए। नहीं तो आपने देखा था जैसे कि हमारा प्लेन थोड़ा लेफ़्ट राइट हो गया था, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे भी हो। तो फिर इसीलिए मैं इसकी सेंसिटिविटी वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ करके, मतलब मैं इसको अपने कंट्रोल में ले लूँगा प्लेन को। जो भी मैं कहूँगा वो ये करेगा। ठीक है गाइस, तो फिर अभी और ये देखिए यहाँ पर अभी आप ये आ गया, ये देखिए कैमरा चेंज करने का, ये मैं फर्स्ट पर्सन मोड में आ गया हूँ। और ये फर्स्ट पर्सन में भी स्क्रीन देखिए यहाँ पर जो भी ये स्क्रीन्स जो हमें डैशबोर्ड पे दिख रही हैं ये सब चेंज कर पाएंगे। देखिए चेंज होंगी यहाँ से, बंद हो गई ये वापस से। और ये हुड ऑन, ये जो पिंक कलर का आया हुआ था ये ऑन ऑफ होता है। और भी कैमरा सेटिंग्स हैं, थोड़ा पीछे से हो गया फुल कैमरा व्यू हो गया। ये बेली है यहाँ पे से, देखिए मैं जैसे लैंडिंग गियर्स लाऊंगा तो इधर से आते हुए दिखे नहीं चाहिए। ओ लैंडिंग गियर्स ही नहीं हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। तो हमारे प्लेन का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, हमें इस प्लेन की स्पीड को हमें कम करना होगा तभी लैंडिंग गियर्स आएंगे। अब देखें यहाँ पर लगे लैंडिंग गियर्स आ गए। और मैं चाहूँ अब मैं इस लैंडिंग गियर्स को रिट्रैक्ट कर लेता हूँ और हमें प्लेन को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये वरना फिर ये ठुक जाएगा आगे जाके। ये कैमरास 5 है, इसमें हम बेसिकली हमें प्लेन के अंदर फिट हुए हुए कैमरे से उड़ा रहे हैं। ये रिवर्स व्यू हमारे प्लेन का, ये भी एक हमारा थर्ड पर्सन व्यू है बट ये थोड़ा अनस्टेबल है, इससे एकदम स्टेबल व्यू, इसी में हमने टेक ऑफ वगैरह किया है। ये देखिए इससे, ये देखिए इससे हमारा प्लेन जो है। और ये सारे जो भी बैंक एंगल आए सब हमारे वार्निंग सिस्टम्स है जो प्लेन में है। ऊपर जाएगा, ऊपर करूँगा मैं जब जॉयस्टिक तो प्लेन नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। जब मैं नीचे की तरफ पॉइंट करूँगा, नीचे ले जाऊँगा जॉयस्टिक तो ये प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा। इस वाले इससे जो भी मैं हिला रहा हूँ इससे जो है हमारा प्लेन का रडर कंट्रोल होता है। तो फिर गाइस मेरे को लगता है अभी और ये प्लेन अभी ऑटो फ्लैप पे, 5 लैप फ्लैप्स में से फर्स्ट फ्लैप पे चल रहा है। मैं इसको मैनुअली अभी नहीं चाहता हूँ फ्लाई करना क्योंकि अभी मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं, मैंने इस गेम को पहले खेला नहीं, खेला हुआ है पर उसको मैंने कभी ट्राई नहीं करा मैनुअली चलाने का। तो ये ऑटो फ्लैप्स पे ही चलता है प्लेन। तो हम लोग इस लेवल फिनिश हो चुका है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा था इसीलिए इतना टाइम लगा। और ये जो लाइन जो आप पर्पल, ये जो है पर्पल रंग पर्पल कलर पिंक कलर का जो ये टॉप राइट कॉर्नर में ये जो है रडार है, ये हमें सब बताता है कि कहाँ रनवे। देखिए अभी जस्ट नीचे हमारे रनवे होगा, ये देखिए गाइस ये सारी चीज़ें हमारे मतलब वार्निंग सिस्टम्स होते हैं प्लेन में, ये सारी चीज़ें हैं। ये इतना है, चलिए हम लोग ये वाला लेवल फिनिश कर लेते हैं। हमें इसमें सब कुछ सक्सेस है, ये सब चीज़ें हैं। ये हम ये देखिए 500 ये पॉइंट्स हैं मेरे पास। और ये सब देखने से हमें, ये जो मैंने मिशन करा इससे हमें पॉइंट्स मिले। अगर हम कोई भी मिशन अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम कोई भी चेक पॉइंट टच नहीं करते तो ये जो फुल है, फुल लिखा हुआ है ना, ये कम हो जाएगा इसकी तरह से, क्योंकि अभी हुआ नहीं लेकिन ये थोड़ा भरेगा लेकिन इसे फुल नहीं होगा। ये हमारे मिलेंगे, देखिए जिस समय 500 थे ये 650 हो गए। मैं ये करूँगा तो हमें और पैसे मिलेंगे, देखिए कंप्लीट करेंगे हम ट्यूटोरियल हमें 100 और मिलेंगे। और अगर हम उसको स्किप कर देते हैं, करना नहीं चाहते तो हम स्किप भी कर सकते हैं किसी भी मिशन को, पर ऐसी बात नहीं हम इसे करेंगे। चलिए हम देख करते हैं आगे ये जो है इसमें क्या है। अब हमें सेफली जो है हमारे प्लेन को लैंड कराना है। इसमें इसे जो है कितना इंजन पावर देगा ये इससे डिपेंड करता है। ये भी हमें जैसे एक बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं इसीलिए इसमें धीरे धीरे इसे चीज़ें ला रहे हैं।
ला रहे हैं वो उस बेसिक ट्रेनिंग वाले में इन्होंने हमारे सारे कंट्रोल्स बताए थे और हमारे हिसाब से सेटिंग को फिक्स किया था, पर इस वाले में ये लोग हमें सिखा रहे हैं सब कुछ करना। इन दो में यही होगा, बट आगे फिर आगे के लेवल्स में जो है हम और भी चीज़ें कर पाएंगे। ये जो अभी जो हमने जो लास्ट टाइम जो हमने प्लेन एयरप्लेन उड़ाया था, और जो ये वाला एयरप्लेन है ये सेम ही है, ये कार्गो प्लेन है भी, हम लोग यही वाला उड़ा रहे हैं। अब हम लोग रनवे के तरफ पास आ रहे हैं तो इन्होंने हमें कह दिया क्या ऑटो ब्रेक्स एक्टिवेट कर दो जिससे कि हमारी प्लेन की स्पीड लिमिट हो जाए। ये जो आप ये जो देख रहे हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जब मैं ऑटो ब्रेक्स अभी हटा नहीं सकता हूँ, वहाँ पर एक पॉइंटर सा बनाया गया होगा, जब भी हम ऑटो ब्रेक्स लगाते ही वो हमारा स्पीड वहाँ पर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने में ही रनवे है हमारे, हमें अभी लोग कह रहे हैं हमें लैंडिंग गियर्स डाउन करने के लिए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको डायरेक्टली उस चेक पॉइंट पे कैसे ले जा पा रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का चेक पॉइंट, उसमें जो बीच में जो डिज़ाइन बना हुआ है ना वो एरोप्लेन का डिज़ाइन है, उसी की मदद से मैं इसको लेके जा पा रहा हूँ सही से। ये हमें बता रहे हैं क्या हम लोग ग्राउंड से कितना ऊपर हैं। अब ये इन्होंने हमें बताया क्या कि हम कब कैसे हमें लैंड कराना चाहिए, हमें इस तरह से लैंड करवाना चाहिए। जो पॉइंटर्स में आप बना हुआ देख रहे हैं ना, यही वो पॉइंटर है जिसके हम जो ये जो जो साइड में जो वो हैं जो निकले हुए हैं वो विंग्स हैं, और जो टॉप की तरफ जो निकला हुआ है वो हमारे ऊपर का पॉइंटर है। अभी अब देखिए हमारा प्लेन चल चुका है, हमें इस तरह से उस पॉइंटर को प्लेन रनवे से अलाइन करते हुए हमें इसको लैंडिंग देनी है, और हमें मैनुअल ब्रेक्स अप्लाई कर देने, और हमें रिवर्स थ्रस्ट भी दे देना है, जिससे कि हमारा जो एयरप्लेन है उसके इंजन अपोजिटली वर्क करने लगेंगे तो हमारा जो ये होगा प्लेन वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। हमारा मिशन जो यहीं पे ख़त्म हो गया है देखिए, और हम कंपोनेंट्स में से जाके इंजन 1, 2, 3, 4 ऑफ कर सकते हैं। और देखिए सिग्नल लाइट्स इसमें जल रही है ना, देखिए जो रेड बीच में जो जल रही है सिग्नल लाइट्स है उसको मैंने ऑफ कर दिया, ये देखिए। और जो ये देखिए अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, मेन डोर हमारा ये इधर वाला देखिए डोर ओपन हुआ है, इससे इसको क्लोज़ कर देंगे। और हम जैसे मेन लाइट एक्टिवेट करते हैं देखिए, इधर नीचे की तरफ ही मेन लाइट हो गई है, ये बंद हो गई। पैराग्लाइडिंग के लिए लेफ्ट डोर ये हमारा इधर खुला होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा लेट इवनिंग का टाइम रखा है, ये देखिए इधर ये खुला है हमारा पैराडोर लेफ्ट साइड, सॉरी ये इधर वाली होगी। और हम पैरा राइट खोलेंगे तो हमारा उधर वाला खुलेगा। कार्गो फ्लैट करते हैं तो कार्गो देखिए कार्गो डोर खुल जाएगा। ये कार्गो फ्लैट हम लोग तब करते हैं जब कोई भी कार्गो हमें ड्रॉप करना होता है, और कार्गो रैम्प हम लोग तब करते हैं जब कार्गो को हमें लोड करवाना होता है। तो फिर हमारा ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले मिशन में। तो फिर गाइस मैं सोच रहा हूँ क्या जो हमारा आज हमने ये जो दो बेसिक ट्रेनिंग्स इन्होंने दिए थे ये हमने किए हैं, अब आगे के जो मेन जो मिशंस हैं वो मैं सोच रहा हूँ हम अब करेंगे अगले वीडियो से। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलता हूँ मैं दोस्तों। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस गुड बाय।